हेलो दोस्तों, स्वागत है और एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड डेड रिडेम्पशन 1 के बारे में, जो कि अब इस पे लॉन्च होने वाला है। रॉकस्टार ने ये मतलब ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ डेटा अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है और डेटा माइनर ने वो इन्फॉर्मेशन निकाल के ट्विटर पे अपडेट कर दिया था। तो ट्विटर से मुझे इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिली है, तो आज उसी के बारे में बात करने वाले कि रेड डेड रिडेम्पशन फाइनली अभी आपको पीसी पे देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ जो एक डीएलसी भी आता है वो भी आपको पीसी पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस न्यूज के बारे में। तो एक डेटा माइनर है जिसका नाम कुछ टेड टू के नाम से है, ट्विटर पे अगर आप चेक करोगे तो वो टेड टू के डेटा माइनर है, जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मतलब उनके वेबसाइट से निकाला है, जहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो वहाँ पे एक उन्होंने अपने वेबसाइट पे एक बॉडी प्रमोशनल बॉडी बनाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने रेड डेड रिडेम्पशन 1 के बारे में डाला है। लाइक जैसे कि आप यहाँ पे अमेरिकन वेस्ट एंड मैक्सिकन रेड डेड रिडेम्पशन 1 एंड इट इज जोम्बी हॉरर कंपोनेंट अनडेड नाइटमेयर, जो कि इसका डीएलसी है, ये भी उन्होंने लिस्ट आउट किया हुआ है। तो मे बी मतलब मे बी भी क्या बोला, डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि लास्ट में अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो नाउ प्लेबल ऑन पीसी, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो तो वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये पीसी पे अवेलेबल रहेगा और डेफिनेटली ये पीसी पे आने वाला है। तो ये अभी मतलब उनके वेबसाइट पे या फिर लॉन्चर में ऑफिशियली आपको कब देखने को मिल जाएगा, तो मे बी ये पॉसिबिलिटी कि 18 मई को ये जो पेज है वो लाइव कर देंगे वो लोग अपने वेबसाइट पे, और शायद मे बी 18 मई से ही प्री परचेज वगैरह स्टार्ट हो जाएगा उनके वेबसाइट पे। क्योंकि अगर आपको पता होगा लास्ट ईयर उन्होंने रेड डेड रिडेम्पशन 1 प्लेस्टेशन 4 और निंटेंडो के लिए उन्होंने रिलीज किया था, तो मे बी उसी टाइम इन लोगों ने उस पर्टिकुलर कोड को पॉलिश करके पीसी पे भी पीसी के लिए भी उन्होंने मतलब रेडी कर दिया होगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है प्लेस्टेशन और निंटेंडो कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट है, मतलब एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे पहले गेम रिलीज होते हैं बाद में ही पीसी पे आते हैं। तो मे बी निंटेंडो और प्लेस्टेशन 4 की तरफ से उनको ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा होगा, डेफिनेटली मतलब ज्यादा रेवेन्यू होगा सेल्स वगैरह, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम पे वापस वो क्या क्रैक वर्जन नहीं कर नहीं पाते, तो उनको ओरिजिनल कॉपी खरीदनी पड़ती है। तो डेफिनेटली उन्होंने इसीलिए ये इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई कि पहले तो भाई जो एक्सक्लूसिव वाले जो भी रहेंगे प्लेटफॉर्म रहेंगे, लाइक प्लेस्टेशन 4 हो गया और निंटेंडो स्विच हो गया, वहाँ पे उन लोगों ने ये पहले ये गेम रिलीज किया, और अभी आई थिंक अभी को लाइक एक साल हो गया, एक साल या फिर 6-8-9 महीने हो गए होंगे। तो उसके बाद अभी उन्होंने ये ऑफिशियल अभी कन्फर्म करने वाले मे बी 18 मई को कि वो अभी रेड डेड रिडेम्पशन 1 पीसी पे भी रिलीज होगा, जो कि भाई बहुत ही सही और खतरनाक, मतलब क्या बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ है ये। मतलब जो भी रेड डेड रिडेम्पशन जिसने भी 2 खेला है, जहाँ पे पता है कि आर्थर मॉर्गन के बारे में और जॉन मास्टर के बारे में अगर उन लोगों को पता है तो रेड डेड रिडेम्पशन 1 वो डेफिनेटली ट्राई करेंगे। बस अभी देखना ये है कि जो इसका जो ग्राफिक्स है वही मतलब 10 साल पुराना वाला ग्राफिक्स ना रहे, थोड़ा अभी अगर पीसी में रिलीज करें तो ग्राफिक्स वगैरह थोड़ा पॉलिश करके अच्छे से पॉलिश करके के बाद ही पीसी पे रिलीज करेंगे, ये मतलब एक ये रहे होप रहेगा। आरडीए मतलब रॉकस्टार तो वैसे ग्राफिक्स के मामले में पीछे नहीं रहता, वो हमेशा ही मतलब कुछ ना कुछ नए ग्राफिक्स ऐड करके ही वो मतलब ऑडियंस को प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर वही अगर ये रीमेक है तो मे बी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगे ग्राफिक्स वाइज विजुअल वाइज, तो मे बी ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन फिर भी ये होप कर सकते हैं कि अभी ये 18 मई को या फिर एज सून एज पॉसिबल उनके वेबसाइट पे लिस्ट हो जाए और ये ऑफिशियली हमें रॉकस्टार की तरफ से ये न्यूज मिले कि रेड डेड रिडेम्पशन 1 पीसी पे लॉन्च होने वाला है। तो यही था दोस्तों आज के गेमिंग न्यूज में। तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं कि आप रेड डेड रिडेम्पशन 1 खेलने वाले हो या नहीं।